Okay, I hope. Am I audible, everybody? Okay, fine, take it. So let us start today's session. Screen are here, because fine, now you can see the screen, and I think I'm audible as well. Fine. So let us start with the homework which was given to you. So we will start with the same. Okay, Atharva says mole or volume ke questions नहीं हुए, बाकी सब हो गए, ठीक है? क्या homework दिया था? मतलब नमस्ते level one में अपन कहाँ तक discuss कर चुके थे? 1 से 10, level one 1 to 10. नमस्ते लेवल वन में 1 से 10 तक किसी को डाउट है? 1 to 10 उमंग इज आस्किंग 3 क्वेश्चन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस. देखो ये तो कोई नई चीज नहीं है. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन, इज एन इलेक्ट्रोलाइट हुज मोल्टन या फिर हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ये तो डेफिनेशन ही होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो है पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. एवरीबॉडी एम आई या स्क्रीन चली गई थी बीच में. फाइन, आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ. एवरीबॉडी आवाज आ रही है ना? ठीक है, बीच में कुछ इशू आया था नेटवर्क का, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था अपने आप. खैर, कमिंग टू क्वेश्चन 3, आई होप यू कैन हियर मी नाउ. सी, क्वेश्चन 3 में आपको क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस. तो उनके आयन में डिसोसिएशन का रीजन क्या है एवरीबॉडी? व्हाट इज द रीजन व्हाई डू दे डिसोसिएट इनटू आयंस? See, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है दे आर अनस्टेबल. देखो ऐसा कोई रीजन नहीं है. वाटर डिजोल्व, ये भी कोई रीजन नहीं है. द फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस, ऐसा कुछ नहीं है. देखो सीधा क्या है कि वाटर जो है वो ब्रेक कर देता है. जैसे Na प्लस और Cl माइनस है, इसको डिसोसिएट करने के लिए वाटर क्या करता है एवरीबॉडी? वाटर प्रोवाइड्स काउंटर आयंस, राइट? वाटर प्रोवाइड्स काउंटर आयंस, राइट? इज दैट क्लियर एवरीवन? जो कि उसको तोड़ता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ब्रोकन डाउन बाई वाटर. दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए. थ्री से टेन के बीच में और कुछ नहीं है. ओके, इलेवन टू ट्वेंटी, इलेवन टू ट्वेंटी सूजा इज आस्किंग क्वेश्चन 5. द अमाउंट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, एक कॉल है. हेलो, हाँ कौन? अभी मैं बिजी हूँ, आपको कॉल कर लूंगा थोड़ी देर. हाँ, सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द अमाउंट ऑफ आयन लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन, राइट? तो अमाउंट ऑफ आयन जो लिबरेटेड है, जैसे हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बोलता है क्या? W इज इक्वल टू E बाय F इनटू Q, राइट? W इज इक्वल टू E बाय F इनटू Q होता है. फाइन, सो दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो अब एक बात बताओ, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, करंट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है. यू कैन राइट क्यू इज इक्वल टू आई टी, राइट? यू कैन राइट क्यू इज इक्वल टू आई टी. तो करंट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है ना? इलेक्ट्रोलिटिक इक्विवेलेंस जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ई पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है. तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता?
सुजल बताओ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? ऑप्शन ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर? फाइन फाइन, सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है. बेरिलियम अकर्स नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ बेराइल. द मेटल इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर द ओर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड देन टू क्लोराइड, राइट? आफ्टर द मेटल हैज बीन कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एंड देन टू क्लोराइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ बेरिलियम इज डिपॉजिटेड? देखो ये फॉर्मूला सीधा सा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई बाई एफ इंटू क्यू, राइट? डब्ल्यू होता है ई बाई एफ इंटू क्यू, है ना? अब BeCl2 है ना एवरीबॉडी, BeCl2, तो Be प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो E क्या आएगा? 9 बाई 2 आएगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो. 9 बाई 2 आएगा इंटू 1 बाई F कर लो, 1 बाई F कितना होगा एवरीबॉडी? F होता है 96500 और I इंटू T, तो I तुम्हारे पास क्या है? 5 एम्पियर और टाइम है 3600 सेकंड, दैट इज 1 आवर. तो तुम्हारा इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तुम कैंसिल कर लो इसको, तो तुम्हारा आएगा 9 इंटू 5 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू 965. राइट, सो सॉल्व फॉर इट, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ W. करके दिखाओ या कर लोगे अब? एवरीबॉडी कर लोगे या करके दिखाओ? 0.84 ग्राम. फाइन, ओके फाइन. नेक्स्ट बताइए, 11 के बाद क्या है? एवरीडी 11th के बाद मतलब 12th से 20 के बीच में, 12th तो हमने क्लास में किया है ना, एवरीडी 12th तो हमने क्लास में डिस्कस किया था पिछले क्लास में, ये तो फॉर्मूला ही यूज करना है ना. नेक्स्ट बताइए 13 से 20, 13 से 20, 13 से 20 किसी का तो कुछ नहीं होना चाहिए. ओके देन हमने यहां तक किया था 27 से लेकर के 30 तक, 27 से 30. आदित्य इज सेइंग 14 क्वेश्चन है. हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, देखो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.25 ग्राम ऑफ Nb5 टू द मेटल. तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा अपने पास यही फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू E बाई F इंटू क्यू, राइट? और W अपने पास है 0.25, इक्विवेलेंट मास क्या है 93/5, राइट? N फैक्टर 5 कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 5 दिया है. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर 5 दिया है इसलिए अपने हमने N फैक्टर 5 ले लिया, और 96500, और देखो चार जो है वो हमें निकालना है, इनफैक्ट फैराडे के टर्म्स में ही निकालना है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हम इसको एफ ही लिख देते हैं. अब देखो चार्ज कितना आया, क्यू आ जाएगा 0.25 इंटू 5 अपॉन 93 फैराड. इज दैट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो अब ये सॉल्व करो कितना आता है, 1.25 अपॉन 93 कितना आएगा, जस्ट चेक इट, कितने फैराड आता है? 1.25 अपॉन 93 कितना फैराड आएगा, जस्ट चेक इट. आई थिंक इट शुड बी समथिंग लाइक 10 रेज टू माइनस 2. क्या आता है एवरीबॉडी? 0.013. तो ये आंसर है तुम्हारा. नेक्स्ट एवरीबॉडी, नेक्स्ट बताइए. ट्वेंटी नाइन पूछ रहा है अथर्व. अथर्व लेट अस मूव टू 29, देन रिया विल कम टू 31. सी 29 में क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर ईच ऑफ Au3+ Cu2+ Ag+ Li+ इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, राइट?
तो है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन. कूल. सो क्वेश्चन है विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड. तो एक बात बताओ, लिथियम कभी मेटल पे डिपॉजिट होगा? यहाँ पर जो डिपॉजिट हो सकते हैं वो पॉजिटिव एसआरपी वाले ही हो सकते हैं, ठीक है अथर्व? यानी सिल्वर डिपॉजिट हो सकता है, कॉपर डिपॉजिट हो सकता है, एयू डिपॉजिट हो सकता है. ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है अथर्व? तो अब ये एलआई वाली बात तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने सीखा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे तो नहीं मिलते हैं. आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है ना? तो अब देखो, एलआई तो कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो बी या तो सी. अब देखो, सबसे आसानी से वो मिलता है जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, राइट? तो सबसे ज्यादा एसआरपी क्या है? एयू. और वोल्टेज बढ़ाओगे तो एजी मिलने लगेगा, उसके बाद सीयू मिलेगा. तो ये आंसर है सी. इज दैट क्लियर अथर्व? थर्टी वन रिया, देखो 31 में दिया हुआ है कि 100 ml सॉल्यूशन ऑफ एजी प्लस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. तो अब देखो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है. मान लो जो भी सिल्वर का मोलैरिटी था, इंक्रीजिंग वोल्टेज का मतलब क्या है? देखो कथन, यदि तुमने पहली बार वोल्टेज दिया तो एयू निकलेगा. मान लो एयू पूरा खत्म हो गया, तो उसके बाद तुम वोल्टेज बढ़ा दोगे तो एजी निकलने लगेगा. इज दैट क्लियर? फिर और तब एजी खत्म हो गया तो फिर और वोल्टेज बढ़ाओगे तो सिल्वर निकल सॉरी कॉपर निकलने लगेगा. सो इसका मतलब ये है, इंक्रीजिंग वोल्टेज. आई होप इट इज क्लियर, इट मेक्स सेंस, राइट? समझ में आ रही बात? ओके, नाउ कमिंग टू 31 एवरीबॉडी. देखो क्वेश्चन लिखा है, ये 100 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एजी प्लस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 15 मिनट्स विथ. तो आप टाइम देखिए, आपके पास है 15 मिनट्स, राइट? सो व्हाट इज 15 मिनट? इट इज 15 × 60, दैट इज 900 सेकेंड्स, राइट? और 900 सेकेंड्स, हाँ ये दिया हुआ है. और करंट आपको दे रखा है कितना? 1.25 mA, दैट इज 1.25 × 10⁻³ A. इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो यार एवरीबॉडी. ये क्वेश्चन में इतना डेटा तो ठीक है ना. अब तुम्हारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, यानी वॉल्यूम भी ले लो 0.1 L. तो एक बात बताओ, इसको तब तक इलेक्ट्रोलाइज किया जब तक कंप्लीटली एजी प्लस जो है वो एजी में कन्वर्ट हो गया. ये बात समझ में आ रही है सबको? तब तक इलेक्ट्रोलाइज किया जब तक एजी प्लस कंप्लीटली एजी में कन्वर्ट हो गया. आई होप इट मेक सेंस, राइट? ये बात सबको समझ में आ गई होगी. अब जरा हम समझते हैं W क्या होता है. E by F into Q. तो E upon F कर देते हैं, और Q हमें पता ही है. Q कितना है? 1.25 × 10⁻³ × 900. तो ये एक बार करके बताओ कितना आता है. 1.25, देखो कितना आता है. ये आएगा 1.25 × 0.9. सही है, कैलकुलेशन चेक करो. 1.25 × 0.9, तो सिल्वर का होता है 108, और ये देखो कितना कूलम हुआ, ये आ जाएगा 1.125. हाँ ठीक है. तो अब देखो कितना मास बन रहा है, बहुत कम बन रहा है. फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो तो इतना ग्राम आया, उतना मोल्स में कन्वर्ट कर लो तो मोल्स मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा. समझ में आया? तो मोलैरिटी निकल जाएगी एवरीबॉडी. इज दैट क्लियर? किसने पूछा था? अथर्व एंड रिया. ये बात समझ में आ रही है? मास से मोल्स निकल जाएगा. जैसे ये मास निकला तो मोल्स कैसे निकलेगा? गिवन मास बाय 108, सो ये आ जाएगा क्या? 1.25 × 96500. ये आ गए आपके मोल्स. किसके? एजी प्लस के मोल्स आ गए, राइट? अब आपके पास वॉल्यूम में दे रखे हैं क्वेश्चन में 0.1 L. एवरीबॉडी, आई होप इट इज क्लियर. तो आपके पास यहाँ पे मोल्स मिल गए और वॉल्यूम मिल गई, तो मोलैरिटी तो आ ही जाएगा ना. अब मोलैरिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. इन दोनों को डिवाइड कर लो. डाउट है तो पूछ लो किसी को. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है,
31 के बाद बताइए, 32 से 40 तक। 36, आदित्य इज सेइंग 33। An India, an element indium is to be obtained by electrolysis of molten halide of element. Passes of current of 3.25 ampere. देखो करंट है 3.2 एम्पियर, राइट, और टाइम दे रखा है 40 मिनट, सो दैट इज, स्क्रोल अप कर रहा हूं, एक सेकंड अंशुमला, आई एम स्क्रोलिंग इट अप। रिटर्न अंशुमल, ओके ठीक है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे 33 पे। अब यहां पे लिखा है कि मेटल इससे जो बनता है इंडियम, वो बनता है 3.05 ग्राम, राइट। तो अब बोल रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो और इसका मोलर मास भी दिया है, इसका मोलर मास दे रखा है आपको, मोलर मास दे रखा है 114.8। तो देखो हमने ये फॉर्मूला सीख रखा है, तो ये तो फॉर्मूला लगा दो, 3.05 ये हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू फैराडे इंटू चार्ज इंटू टाइम आई इंटू टी कर दो, ये दोनों चीज तो मैं दे रखी है, आई इंटू टी, फैराडे तुम 9650 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो तुम्हें एन निकल जाएगा ना एवरीबॉडी, ये सारी ये दे रखा है, 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 ये निकालना है, तो सॉल्व फॉर एन। फाइन आदित्य, आई थिंक यू कैन डू इट नाउ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लिखना है, स्क्रोल अप कर दूं। आदित्य डू वांट टू राइट दिस और कैन आई स्क्रोल डाउन। फाइन, नेक्स्ट बताइए 33 के बाद। How many grams of chromium are deposited in the electrolysis of solution of CrNO3 whole 3 in the same time that it takes to deposit? देखो, पूछ रहा है कि electrolysis chromium nitrate का किया, ठीक है, और silver का किया, coulometer जानते हो क्या होता है? Coulometer, see, coulometer is a device which is used to measure the amount of substance deposited at the electrode. आदित्य कुछ डाउट है क्या? क्या पूछना चाह रहे हो? पांच आदित्य है, अच्छा पांच आदित्य है, तो पांच आदित्य है तो हम क्या कर सकते भाई? जो 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 मतलब देर इज अ स्टूडेंट जो आदित्य ने पूछा, तो मैं आदित्य ही करके जवाब दे रहा हूं। फाइन, सी, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जितने भी हैं आप चलेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम आर डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CrNO3 होल थ्राइस इन द सेम टाइम इट दैट इट टेक्स टू डिपॉजिट 0.54 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब देखो सीरीज में कनेक्टेड है एवरीबॉडी, तो एक बात बताओ, सीरीज में जब कनेक्टेड है तो कंसेप्ट क्या लगाते हैं, बताओ कंसेप्ट क्या लगाते हैं? एवरीबॉडी क्या लगाते हैं? सेकेंड लॉ ना, कि नंबर ऑफ, यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगेगा एवरीबॉडी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N1 है इसके और N2 है, यहाँ N है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं, करके दिखाओ कर लोगे? सिल्वर का N फैक्टर एक होता है। अरे अभी मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी होमवर्क डिस्कस, अभी ज्वाइन किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क में डिस्कस कर रहा हूँ अभी, एवरीबॉडी करके दिखाओ, कुछ तो बोलो यार, ठीक है करके दिखाता हूं। तुम्हारे पास 0.454 ग्राम सिल्वर है और ठीक है टाइम सेम है, तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे बताओ? सिल्वर के इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे? ये हाँ एन अवस्थी डिस्कस कर रहे हैं, ये आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्रोमियम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्रोमियम क्या होगा? गिवन मास W मान लो, क्रोमियम का मोलर मास कितना होता है? 52 और N फैक्टर 3 है, तो ये समझ में आया, इसको इक्वेट कर दो, ठीक है।
अभी भी W निकाल के दिखाओ, आप तो कर लोगे ना एवरीबडी, कैन यू नाउ सॉल्व फॉर W? नेक्स्ट 36 के बाद, 36 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? उसे लिखना है, राइट इट डाउन, आई विल स्क्रोल अप. नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट नहीं है? 37 से 40, 37, 37, फाइन. See, question hai, in electrolysis of copper sulfate solution, how many grams of copper are plated out on a cathode in the time that it takes to liberate 5.6 liter O2? Achha, ek baat batao, yahan par concept kya use karna hai? Number equivalency to equate karna hai. Is that clear? Riya, yahan pe second law hi use karna hai. You again have to equate number of equivalents. To ab jara samajhne ki koshish karo ki 5 point, number of moles kitne ho gaye O2 ke? 5.6 upon 22.4, 1/4 mole. ये समझ में आ रही होगी बात. और H2O जब oxidize होता है everybody और O2 produce करता है, तो इसका n factor 4 होता है. तो number of equivalents क्या होगा? Number of moles into n factor. तो अब देखो क्या है? 1/4 mole है और n factor 1 है. तो number of equivalents 1 हुआ. तो तुम्हें actually में everybody, तुम्हें एक equivalent produce करना है किसका? Copper का. तो अब एक इक्विवेलेंट कॉपर का क्या होगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास 63/5 होता है ना कॉपर का, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? 63.5/2, तो ये आएगा 31.75 ग्राम. ठीक है रिया, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 38 to 40, अथर्व इज आस्किंग 38. क्या कंटिन्यूअस पूछोगे सारे के सारे? 38 में क्या है? अमोनियम पर क्लोरेट NH4Cl4. अमोनियम पर क्लोरेट इज यूज्ड इन सॉलिड फ्यूल इन बूस्टर रॉकेट्स ऑन स्पेस शटल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम पर क्लोरेट. ठीक है, अब ये देखो रिएक्शन लिखा है तुम्हें, ये इस तरह से बनता है. फाइन, तो अब देखो ये रिएक्शन है. तो अब जरा सोचो कि सोडियम पर क्लोरेट का मोलर मास क्या है? एवरीबॉडी, इसका मोलर मास क्या है? 23 + 35.5 58.5 + 64 122.5. इसका मोलर मास कितना आया? 122.5. आई होप इट इज क्लियर, राइट? ये 122.5 आ गया मोलर मास. और इसका देखो ये -1 से +7 में गया, तो एन फैक्टर कितना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर 8 हो रहे हैं. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. तो अब जरा तुमसे यदि पूछा जाए कि 1000 ग्राम बनाना है तुम्हें, 1000 ग्राम, 1 kg is 1000 ग्राम, तो ये आएगा m by n factor ये into f cube. तो q पूछ रहा है कितने फैराडेज रिक्वायर्ड है, तो ये क्या आएगा? q क्या आएगा एवरीबॉडी? 8000 / 125 फैराडे, राइट? सॉरी 122.5, या मैंने 122.5 कर, चलो एक सेकंड, 122.5 होगा. ठीक है, तो ये आएगा 8000 / 122.5 फैराडे. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा एवरीबॉडी? 8000 / 122.5 फैराडे, देख लो अराउंड 60 के आसपास आएगा. 65.3 है तो वही होगा, 65.3 फैराडे. तो डी आ गया आंसर. नेक्स्ट 39 से 45 में किसी को डाउट है? 40 है. मोल्टेन लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, लिथियम मेटल इज फॉर्म्ड एट कैथोड, करंट एफिशिएंसी 75% है. करंट एफिशिएंसी 75% का मतलब समझ रहे हो? थर बाद में लिख लेना, चलेगा तुम्हें? एवरीबॉडी, हमने करंट एफिशिएंसी 75% बोल दिया, यानी क्या है? ये 3/4 है, तो Q यूटिलाइज्ड इज 3/4 Q सप्लाइड, यही ना?
Everybody is that clear? Q utilized is 3/4 Q supplied. अब यहां पे लिखा है कि अब देखो लिथियम LiCl से बना रहे हैं तो इसका n फैक्टर 1 ही होता है. नाउ 9650 इज फैराडे और 3/4 Q सप्लाइड करना पड़ेगा हमें. तो अब 91930 कूलम दिया है. तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ W इन दिस केस? एवरीडी अब तो हो जाएगा ना. ओके शुड वी मूव नेक्स्ट 41 से 45, 42. H2 and O2 can be produced by electrolysis of water. What volume in O2 will and H2 are produced when current of? देखो 30 ampere का current है जिसको तुमने पास किया है 193 मिनट के लिए. तो ये कितना फैराडे होगा एवरीबॉडी ये कितना फैराडे होगा पहले तो ये निकाल लो. ठीक है स्क्रोल अप करूं. क्वेश्चंस 45 तक दिए थे और उसके बाद बुकलेट का भी दिया था एक्सरसाइज. हो गया डन हो गया ना सबका लिखने का काम. अब पूछा गया है तो इस कितना फैराडे पहले तो निकालो एवरीडी ये वैल्यू निकालो कितना फैराडे आता है. 3.6 फैराडे आता है राइट. हाँ ठीक है 3.6 फैराडे. तो अब पूछ रहा है 3.6 फैराडे से. अच्छा एक बात बताओ H2 जब बनता है H2O से रिड्यूस होकर के कैथोड पे बनता है राइट. तो ऑब्वियसली तुमको समझ में आ जानी चाहिए बात. तो टेल मी एवरीबॉडी कि यहां पे कितने फैराडे चाहिए होंगे. 3.6 इसके दो एन फैक्टर हैं तो इसके कितने मोल्स बनेंगे बताओ एवरीबॉडी. एक मोल दो फैराडे से बनता है एक मोल इज टू दो फैराडे से. तो 3.6 फैराडे से कितने मोल बनेंगे. 3.6 फैराडे से कितने मोल बनेंगे 1.8 मोल. ये बात समझ में आ रही है. मोल बनेगा इज दैट क्लियर. ओके और एनोड पे क्या होगा. एनोड पे भी 3.6 फैराडे ही आएगा. देखो इसमें 4 फैराडे से एक मोल बनता है तो 3.6 फैराडे से 0.9 मोल बनेगा. तो टोटल मोल ऑफ गैसेस कितने हो गए. टोटल मोल गैस कितने बने बताओ. यही पूछा है ना इसने. 1.8 प्लस 0.9 2.7 मोल हो गए. ठीक है एवरीबॉडी. तो 2.7 मोल हो गए. वॉल्यूम कितना आया 2.7 इंटू 22.4 देखो कितना आता है वही लीटर होगा. कितना आता है देख लो 60.48 आता है. हाँ 60 के आसपास ही होगा. ये हो गया आंसर तुम्हारा. Is that clear? Okay, fine. 45. Sujal, do you want to write it? लिखना है क्या तुम्हें? Can you write it from the PDF which will be sent in the group? Because it takes a lot of time. Fine, let us move to 45. Cadmium amalgam is prepared by electrolysis of CdCl2. CdCl2 अब एक mercury cathode ले लेते हैं इसके साथ Hg, right? अब यहां पे लिखा है 10% mass in CdCl2. ठीक है 10% mass लिखा है right? तो 10% mass का मतलब क्या है बताओ. एवरीडी ये समझने की कोशिश करो. 10% बाई मास है सीडी इन सीडी एच जी अमलगम राइट. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है. तो यानी इसका मतलब कि टोटल यदि 100 ग्राम है तो स्कैडमियम 10 ग्राम होगा. एवरीबडी इज दैट क्लियर. यदि
टोटल 100 ग्राम है तो इसमें सीडी 10 ग्राम होगा और एचजी 90 ग्राम होगा, राइट? ठीक है, तो जब एचजी 4.5 ग्राम है तो ये कितना ग्राम होगा एवरीबॉडी बताओ? 90 पे 10 है तो 9 पे 1 होगा, तो 4.5 पे 0.5 होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? तुम्हें एक्चुअली कैडमियम 0.5 ग्राम बनाना है बस। तो फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू ई बाई एफ इंटू क्यू, राइट? तो W तुम्हारे पास 0.5 है, कैडमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CdCl2 है, तो 112/2 हो जाएगा। और फैराडे तुम्हें पता ही है 9650 होता है। करंट तुम्हें दे रखा है 4 एम्पियर और टाइम इन सेकेंड में निकाल लेना। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? सॉल्व फॉर टी हो जाएगा ना सॉल्व। ओके, नेक्स्ट। बुकलेट का इंटेक्स एक्सरसाइज तो इजी है, इंटेक्स एक्सरसाइज 4 वो कर लिया सबने? उसमें डाउट है किसी को? 1 to 5, ठीक है, 6 to 10 किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 10, सुजल इज आस्किंग 10, आदित्य इज आस्किंग 9, इंटेक्स एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 9। कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर दैट विल बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोल सोल्यूशन है। तुम्हारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 0.1 मोलर सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, राइट? यू हैव द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास इक्वल दैट इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट, देखो तुम्हारे पास यदि 2.24 सल्फ एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड है एवरीबॉडी, तो एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड में यदि तुम्हें 1 मोल H2 बनाना है कैथोड पे, एवरीडी 1 मोल H2 बनाना है, तो तुम्हें 2 फैराडे चाहिए होगा, राइट? एवरीडी इज दैट क्लियर? 2 फैराडे चाहिए होगा। तो बेसिकली तुम्हें सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो। यहां पर सेकेंड लॉ भी यूज कर सकते हो, यू कैन बी यूजिंग सेकेंड लॉ डायरेक्टली, यू कैन इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नहीं, देयर इज अनदर स्टूडेंट सुजल हु इज आस्किंग क्वेश्चन 9, ठीक है? तो अब यहां तुम एक तो डायरेक्टली ऐसे यूज कर लो या सेकंड लॉ यूज कर लो। तो यहां पे तुम्हारे पास 2.24 लीटर यानी 0.1 मोल है, तो इसके लिए क्या होगा एवरीबॉडी? 0.2 फैराडे ना, तो 0.2 फैराडे से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा एवरीबॉडी? 0.2 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा कॉपर? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फैराडे, 0.2 फैराडे। तो ये क्या आ जाएगा बताओ? यह आएगा 6.35 ग्राम, सो दैट इज योर आंसर, ठीक है? 0.1 मोल, दैट इज 6.35 ग्राम। ये लिखना है क्या? शुड आई स्क्रॉल इट नाउ? फाइन, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 16 मिनट एंड 5 सेकेंड फॉर, तो अब देखो तुम्हारे पास करंट है 1 एम्पियर, टाइम है 16 मिनट एंड 5 सेकेंड, यानी 16 मिनट कितना हो गया बताओ? 16 6 जो होता है 96, 965 सेकेंड्स, 965 सेकेंड्स हो गया। तो चार्ज कितना हो गया एवरीबॉडी? I into T, 965/9650, यानी ये 0.01 फैराडे हो गया, राइट? दिस इज 0.01 फैराडे, ठीक है? तो चार्ज तुम्हारे पास 0.01 फैराडे है। अब एक बात बताओ, Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बनाता है, तो कितना मास रहेगा इसमें एवरीबॉडी? यहां पे कितना मास रहेगा? E लिख लो अपॉन F इंटू 0.01 F, तो ये आएगा इक्विवेलेंट मास इंटू 0.01, यानी 0.0
वन इक्विवेलेंट, तो इसका मोल होता है और एन फैक्टर होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 0.01/2, तो ये 0.005 आया। Everybody is that clear? इनको एक चीज देना चाहिए कि सॉल्यूशन में वॉल्यूम 1 लीटर है, दिस डेटा इज मिसिंग। हाँ 1 लीटर दिया है, सॉरी 1 लीटर दिया है, दिया है, दिया है, तो सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है everybody, दिया है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब कुछ। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.005 और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 0.005 एम आंसर है। Na2 कैसे है? CuCl2 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? CuCl2 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 है, तो ऐसे n फैक्टर इसका 2 हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आदित्य तुम्हें बात समझ में आ गई होगी हमने कैसे 2 लिख दिया n फैक्टर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ क्या रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे एवरीबॉडी? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब पढ़ रहे थे। तो देखो हमने सीखा था कि जो कंडक्टिविटी होते हैं, चार्ज कैरियर्स की बात हो रही थी राइट, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कापा और इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस राइट। कंडक्टिविटी बोलो या फिर बोलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये डिपेंड करता है कि कितने चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम में हैं। इज दैट क्लियर? कितने चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम में हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, जैसे मैंने बताया होगा कि एसिटिक एसिड पानी में गया तो ये डिसोसिएट होकर के लेट से एसिटेट आयन और एच प्लस बनाता है, ये डिसोसिएट होकर के एसिटेट आयन और एच प्लस बनाता है, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और ये कापा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइट, ये वाली चीजें कापा के लिए, जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है वो कंडक्ट नहीं करता। आई होप इट मेक सेंस एंड इट इज क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ना। हाँ देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। देखो केमिस्ट्री में नॉर्मली जो है हम लोग मोल्स में डिफाइन करते हैं, बिकॉज यही बेसिक कन्वर्जन यूनिट है राइट एवरीवन। हम लोग जो केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं वो मोल्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिक कन्वर्जन यूनिट विच इज यूज्ड इन केमिस्ट्री। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? देखो मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम, इट इज रिटन एज कापा, ठीक है, अपॉन मोलैरिटी, यू कैन सिंपली से सी, और सी यहाँ पे मोलैरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है। मैं राइट इट डाउन, देन क्या छूट गया? मैं डन, फाइन। देखो हम लोग यहां पे केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टेंस को इस तरह से, मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। लेमडा एम, ये लेमडा एम क्या है एक्चुअली, ये वी उल्टा लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये एक लेमडा होता है और ये एक लेमडा होता है, स्मॉल लेमडा कैपिटल लेमडा, यही सिस्टम है। ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स है, लिखने का तरीका है। दिस इज, जैसे होता है ना इंग्लिश में स्मॉल केस में अलग ए लिखते हैं, बिगर केस में अलग अल्फाबेट अलग होता है ना, जैसे तुम इंग्लिश में कैसे लिखते हो, ये छोटा ए है या बड़ा ए है, लोअर केस अपर केस, वैसे ही है ग्रीक अल्फाबेट्स, छोटा लेमडा बड़ा लेमडा, ठीक है। तो ये लेमडा एम है, इसको बड़ा वाला कैपिटल लेमडा बोल सकते हो, ग्रीक अल्फाबेट। तो लेमडा एम इज रिप्रेजेंटिंग मोलर कंडक्टेंस, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट मोलर कंडक्टिविटी, सेम ही चीज है। अब यहां पे क्या है कि सी यहां पे मोलैरिटी है, इसका यूनिट क्या होगा एवरीबॉडी? लेमडा एम को तुम क्या लिख सकते हो? के वी अपॉन एन, क्योंकि एन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम राइट, सो यू कैन राइट के वी इज इक्वल टू एम। तो यदि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट तुमने डाला, एन एक है, वॉल्यूम सोल्यूशन का वन रख दिया, वन यूनिट रख दिया, तो उस केस में लेमडा एम क्या हो जाएगा बताओ? के हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी
associated with one mole electrolyte dissolved in 1 liter solution. Just a minute. 1 liter solution. Is that clear, everybody? ये तो जैसे ऐसे ही डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी एसोसिएटेड विद 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर वाटर होता है जनरली तो वाटर ही होता है यहाँ पे ठीक है रिटर्न Written or not, everyone? Fine. सबने लिख लिया? Scroll करू down. Press scroll down now. Fine. तो अब देखो क्या है? इसका unit क्या होगा? इसका unit क्या होगा already? Let us talk about its unit. तो यहाँ पे है it is kV upon n. तो यदि तुम volume का ऐसा unit देखोगे तो ऐसा यूनिट क्या होगा ये क्या था कंडक्टिविटी क्या था सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स था राइट सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स था तो यहां पर सीमेंस मीटर इनवर्स कर देंगे ऐसा यूनिट में इनटू मीटर क्यूब पर मोल तो आ जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इज दैट क्लियर एवरीबॉडी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल बट यहां पर जब हम मोलैरिटी डिफाइन करते हैं मोलैरिटी तो मोलैरिटी में जो वॉल्यूम होता है वो किसमें होता है लीटर और यहां वॉल्यूम किसमें डिफाइन किए मीटर क्यूब में तो हमें क्या करना पड़ेगा 10^3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरीबॉडी क्योंकि यहां पे मोलैरिटी क्या होता है मोल्स पर लीटर होता है और यहां हमने मीटर क्यूब में डिफाइन किया है तो जब तुम्हारा यूनिट ये है जब तुम्हारा यूनिट सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो तुमको 10^3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट In that case, you'll have to multiply it in raised to the power of 3. But देखो जो इसका common unit है, जो कि ज़्यादातर use होता है, ज़्यादातर use होने वाला जो unit है, common unit, वो होता है Siemens centimeter in square mole inverse. तो उस case में क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पे kV by n होगा. तो यहाँ पे यदि तुम देखोगे, तो 1 liter is 10^3 centimeter cube. ये समझ में आ रहा है? 1 cm³ 1 ml होता है तो 1 liter कितना सेंटीमीटर क्यूब हुआ 10^3 तो तुम्हें यहां करना पड़ेगा 10^3 by molarity तब यूनिट यू कैन यूज उस केस में यूनिट क्या यूज कर सकते हो तुम उस केस में यूनिट यूज कर सकते हो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ज्यादातर यही यूज होता है और फॉर्मूला भी ज्यादातर यही यूज होगा 10^3 इज दैट क्लियर ज्यादातर फॉर्मूला यही यूज होगा कंडक्टिविटी इनटू 10^3 ज्यादातर केसेस में यही यूज होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर कम यूज होता है एवरीबॉडी रिटर्न एम किस यूनिट में है M molarity is always in moles per liter. Saurabh, molarity तो हमेशा मोल पर लीटर ही डिफाइन करते हैं ना मोलर कंडक्टेंस से क्या पता चलता है सी मोलर कंडक्टेंस यदि ज्यादा है इसका मतलब वो सॉल्ट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है यही है सी मोलर कंडक्टेंस मतलब 1 मोल सॉल्ट को पानी में डालने से कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ठीक है मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग चीज है ये सबको समझ में आ रहा है मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों अलग अलग चीज है इस कंडक्टिविटी तो डिपेंड करता है कितने चार्ज कैरियर्स हैं और मोलर कंडक्टेंस हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करते हैं
जैसे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस हम डिफाइन करेंगे कि एक मोल एसिटिक एसिड डालने पे पानी में क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हम यहाँ पे चार्ज कैरियर्स के हिसाब से डिफाइन नहीं करते, मोलर कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, समझ में आ रहा है? और कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं जो फाइनल डिसोसिएटेड फॉर्म है उसके हिसाब से। तो दोनों में अंतर है। शुड आई स्क्रॉल डाउन? सिमिलरली देर इज अनदर पैरामीटर एंड दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सिमिलर चीज है, आसान चीज है। लिखने का काम थोड़ा बाद में भी कर लोगे तो चलेगा ना, क्योंकि मैं नोट्स तो दे देता हूं। सर्वेश पूछ रहा है एसआई और कॉमन दोनों में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई? नहीं, यहाँ ये 10 की, अरे एक सेकंड रुक जाओ, सेम फैक्टर नहीं है ये, 10 की पावर -3 है और ये 10 की पावर +3 है, 10 की पावर -3 है और ये 10 की पावर +3 है। एवरीबॉडी देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ 10 की पावर -3 है और यहाँ पे 10 की पावर +3 है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं किसमें, हम रखना चाह रहे हैं लीटर में। तो 1 लीटर जो है, 1 लीटर इज 10 की पावर -3 m³, राइट? और यहां पे हम किसमें रखना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है? तो 1 लीटर इज 10 की पावर 3 cm³। ये बात समझ में आ रही है? ये -3 होगा एवरीबडी, ये वॉल्यूम हमने लीटर में रखा है, लीटर में। तो 1 लीटर इज 10 की पावर -3 m³, राइट? और यहां पे हमने किसमें रखा है, ये -3 है, -3 -3, दिस इज नॉट +3। यहां पर हम लीटर में रखना चाहते हैं तो 1 लीटर इज 10 की पावर -3 m³, तो ये -3 होगा। और यहां पे हम रखना चाह रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो ठीक है, तो 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 की पावर 3 से? देखो हर बार मोलैरिटी तो लीटर में ही रहेगा, राइट? तो मोलैरिटी तो लीटर में ही रहेगा। तो यदि तुम यूनिट सीमेंस मीटर स्क्वायर रखना चाहते हो तो तुम्हें लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 लीटर 10 की पावर -3 आएगा यहाँ पे मीटर क्यूब, और यहाँ पे तुम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ 10 की पावर +3 आएगा। एवरीबॉडी यहाँ पे ये -3 है और यहाँ पे ये +3 है, ठीक है? ये दोनों सेम नहीं है। और किसी को कोई डाउट है इसमें? एक ये -3 है और एक ये +3 है, इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3। और किसी को इसमें कुछ डाउट है? ये -3 होगा और ये +3 होगा, क्योंकि यहां लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर होता है 10 की पावर -3 m³, और यहां लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर होता है 10 की पावर 3 cm³, ठीक है? मीटर क्यूब वाले में, मीटर स्क्वायर वाले में +3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर वाले में +3, ठीक है एवरीबॉडी? ओके -3 कर लो, यदि +3 लिखा है तो मेक इट -3 और नीचे वाले केस में +3। अच्छा इक्विवेलेंट के कंडक्टेंस क्या होगा एवरीबॉडी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मैलिटी। तो ये केवी अपॉन एन इक्विवेलेंट। तो यदि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 है, वॉल्यूम 1 यूनिट है, वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर ही लेते हैं क्या? नहीं, वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर नहीं लेते हैं, वॉल्यूम तुम कुछ भी ले सकते हो। तो उस केस में लेमडा इक्विवेलेंट क्या आएगा? के। तो क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? कैन बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एसोसिएटेड विथ अ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाई वो सिंबल एन इक्विवेलेंट है। दिस इज इक्यू, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट होता है, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट, ऑब्टेंड बाई डिजॉल्विंग 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर वॉटर। EQ मतलब इक्विवेलेंट, तो इसके लिए भी वैसे ही चलेगा।
इसके केस में भी वही होगा, यदि तुम इसका यूनिट रखते हो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो यहां क्या लिखोगे, के इंटू 10^+3 इलेक्ट्रोड वन है या टू? अद्वैता यहां पे इलेक्ट्रोड्स तो दो ही होंगे ना, इज दैट क्लियर? जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो हमें दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे, प्रोवाइडेड हम डीसी करंट यूज कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? यदि करंट एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल तो होना ही चाहिए ना डायरेक्ट करंट में, इज दैट क्लियर? ओके, सिमिलरली यहां पे यदि हमने इसका यूनिट रखा है सीमेंस सेंटीमीटर, अथर्व शिंदे पूछ रहा है एसी में अलग होता है क्या? एसी में अलग ही होगा, एसी में एक बात बताओ एवरीबॉडी, एसी और डीसी में अलग होगा या सेम होगा? एक्चुअली देखो, समझने की एक चीज कोशिश करो कि जब हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं ना, जब हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो एक्चुअली में जो हम करंट भेजते हैं वो डायरेक्ट करंट नहीं रहता है, वो अल्टरनेटिंग करंट रहता है। ये समझ में आ रहा है? जब हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो हम डायरेक्ट करंट नहीं यूज करते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। अब ये तुम लोग बताओ क्या रीजन है इसका, हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते जब हम चार्ज कैरियर्स की, जैसे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं है बट बच्चे ने एक पूछा है तो मैं तुमसे ही वापस पूछ रहा हूं कि डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते जब हम मेजर करना चाह रहे हैं, जब चार्ज कैरियर्स की प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं तो डीसी यूज नहीं करते, एसी यूज करते हैं, रीजन क्या है? कथन इज सेइंग, हाँ कथन गुड, सौरभ गलत है आंसर तुम्हारा, नमन गलत है, कथन तुम्हारा आंसर गलत, सही है सही। एक्चुअली में डायरेक्ट करंट यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस चालू हो जाता है एवरीबॉडी, डायरेक्ट करंट यूज करोगे ना तो इलेक्ट्रोलिसिस चालू हो जाएगा, और अल्टरनेटिंग करंट में टर्मिनल चेंज होते रहते हैं ना, अल्टरनेट साइकिल्स रहते हैं उसके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, तो वहां तो टर्मिनल तुरंत रिवर्स होते रहते हैं, अल्टरनेट इसलिए बोलते हैं उसको अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बट डायरेक्ट करंट में तो कैथोड एनोड फिक्स हो गया, इज दैट क्लियर? कैथोड एनोड फिक्स हो गया तो उस केस में तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। जब हम चार्ज कैरियर्स की प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहां पे डीसी यूज नहीं करेंगे तो ये तो सेटअप गलत ही है, ये नहीं कर सकते यहां पे। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस से कंडक्टेंस का इफेक्ट क्या होगा? आदित्य तुम इसका जवाब खुद दो, तुम एनएसीएल की सॉल्यूशन में डायरेक्ट करंट जब डाल दोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस चालू हो जाएगा, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ एवरीबॉडी? आदित्य गोराने हैज अ क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोलिसिस होने से कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो बताओ क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रोलिसिस हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे चार्जेस खत्म हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, चार्ज कैरियर ही नहीं बचेगा, फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, फिर लास्ट में सिर्फ पानी बचेगा, इज दैट क्लियर? तुम यदि किसी चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो तो चाहोगे ना कि वो उसी स्टेट में रहे, इज दैट क्लियर? इफ यू वॉन्ट टू स्टडी दी मूवमेंट और बिहेवियर देन यू वुड लाइक इट टू बी इन द स्टेट, जैसे एन ए प्लस के बारे में पढ़ना चाह रहे हो या फिर किसी आई एम सी यू प्लस के बारे में पढ़ना चाह रहे हो और इलेक्ट डायरेक्ट करंट लगाओगे तो वो तो कॉपर बन जाएगा, बचेगा ही नहीं वो। So that is the answer. You can write it if you want to. कि whenever we measure charge carriers, ये लिख सकते हो तुम अपने notebook में. Whenever we measure the properties of charge carriers, then we preferably use alternating current. Because in direct current, electrolysis will take place. ये लिख सकते हो. You can write it in your notebook. ये एक important point है. Every written ये वाली बात लिख लिया सबने?
डायरेक्ट ये पॉइंट लिख लो कि व्हेनेवर यू यूज डायरेक्ट करंट फॉर मेजरिंग चार्ज कैरियर्स देन इलेक्ट्रोलिसिस विल टेक प्लेस विच विल हैम्पर द प्रॉपर्टीज, तुम्हारा आयन ही खत्म हो जाएगा फिर, तो हमेशा एसी यूज करो. अब बात करते हैं कि सीमेन सेंट दिस इज, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है. देखो यदि तुमने लेमडा इक्विवेलेंट यूज किया है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इस यूनिट में, तो तुम्हें करना पड़ेगा कंडक्टिविटी इनटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी. पिछले बार जैसा किया था वैसा ही. यदि तुमने यहां यूज किया है सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा ये. आई होप इट इज क्लियर, राइट? है ना, यहां माइनस थ्री और ऊपर में प्लस थ्री. एवरीडी इज दैट क्लियर? यहां माइनस थ्री और ऊपर में प्लस थ्री, जस्ट लाइक पिछले बार हमने जो किया था वही है. यहां माइनस थ्री और ऊपर में प्लस थ्री. ओके, जैसे पूछा जाए कि फॉर Al2O3 कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लेमडा इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा मोलर, क्या आएगा? ये छोटा सा क्वेश्चन है. Al2O3 के लिए कैलकुलेट द रेशियो लेमडा इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा मोलर. वन बाय सिक्स और सिक्स, देखो लेमडा इक्विवेलेंट क्या होता है, ये रेशियो निकालना है हमें, लेमडा इक्विवेलेंट बाय लेमडा मोलर. तो ये आ जाएगा कंडक्टिविटी अप इनटू जो भी रखो यूनिट, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम में रखोगे, अपॉन एम. और ये आएगा कंडक्टिविटी अपॉन एम इनटू एन फैक्टर. तो अब जरा देखो क्या आ रहा है, ये क्या आ गया ब्रोडी, वन अपॉन वन बाई सिक्स. तो ये तो सिक्स आया, राइट? तो ये क्या आ रहा है, ये तो सिक्स आ रहा है ना, ये रेशियो. अरे इसका एन फैक्टर छह है, ये तो सबको पता होगा. अच्छा लेमडा क्या, एक सेकेंड, लेमडा न्यूमरेटर में है, आपने उल्टा लिखा है. अच्छा लेमडा इक्विवेलेंट बाई लेमडा एम क्या किया, ओके ओके ओके, ये बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया. हाँ ठीक है ठीक है, लेमडा इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा मोलर. तो ऊपर मैंने मोलारिटी लिख दी थी, ठीक है, ऊपर हो जाएगा मोलारिटी इनटू एन फैक्टर और नीचे होगा मोलारिटी. फाइन 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 फाइन, सो इट इज वन बाई एन फैक्टर, सो इट इज वन बाई सिक्स. ठीक है ठीक है एवरीबॉडी, 1/6 होगा, n फैक्टर के हिसाब से काम करेंगे हम लोग. फाइन, इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं, एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ तो बोलो. ओके, थोड़ा से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी. ठीक है, और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है. CrNH3O3Cl3 कोऑर्डिनेशन टाइप का है, हो गया ये. CrNH3O4Cl2Cl देन CrNH3O5Cl Cl2 एंड
NH3 होल 6 Cl3। ये तो बड़े इजी है, आराम से बता सकते हो। डी होगा ना? ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 50 ओम। एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया है और सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का दिया है 0.0004 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ जो दिया है वो दिया है 0.02 मीटर। देन पूछ रहा है कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी निकालो। ये तो बहुत इजी है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है, तो 1/R इज 1/ रो ए बाई एल, तो क्या मिल गया, 1/R इज के ए बाई एल, तो इससे सब कुछ दिया ही, R दिया ही तुम्हें, ए बाई एल दिया ही, तो निकल जाएगा ना। ये तो निकल जाएगा, ये तो इजी है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन दूं, ये तो इजी क्वेश्चंस हो गए, आसान से क्वेश्चन है ये तो आसानी से तुम कर ही सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है। आगे बढ़ सकते हैं, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ट्रिकी है, दिस इज ट्रिकी। मैं सोचो क्या होगा, लिखा है V1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए जिसका रेजिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर इज मिक्स्ड विथ V2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी रेजिस्टेंस 100 ओम, दिस इज ओम, ठीक है। तो क्वेश्चन है इफ the resistance of final solution is 80 ohm then centimeter, kya puch rahe ho Umang, what are you asking? Umang, what are you asking? Kya puchna chah rahe, किसका यूनिट, रेजिस्टेंस का तो ओम ही होगा ना, वो काट के मैंने ओम कर दिया ना उसको सेंटीमीटर। एक्चुअली ऑप्शंस में दे देता हूं, ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। देखो तुम्हें मानना है कि इन दोनों का सेल बाई सेल कांस्टेंट सेम है, अज्यूम एल बाई ए इज कॉन्स्टेंट, दोनों का सेल कॉन्स्टेंट सेम है, सबका सेल कॉन्स्टेंट सेम है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, फॉर्मूला बेस नहीं है ये। रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का होता है, आदित्य इज आस्किंग रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का होता है या वायर का, दोनों का होता है। यदि तुम्हारा सॉल्यूशन करंट कैरी कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या एवरीबॉडी, यदि इलेक्ट्रोलिटिक्स में मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन करंट कैरी कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली तो यहाँ रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन का, हमने पढ़ा है ना R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, सॉल्यूशन और दोनों के लिए होता है, वायर का ही रेजिस्टेंस नहीं होता। जो भी करंट कैरी कर रहा है उसका कंडक्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है।
वायर है तो वायर के लिए बात करेंगे, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के लिए बात करेंगे। आंसर नहीं है, सॉरी डी नहीं है आंसर। प्रथम मेल, अरे तुक्के मार रहे हो, नहीं श्लोक गलत है आंसर। क्या अप्रोच क्या यूज कर रहे हो इसमें, अप्रोच क्या कर रहा है यूज, एवरीबॉडी तो बताना चाहेगा। आई कैन अनम्यूट यू इफ यू वांट मी टू। अप्रोच क्या यूज करोगे बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है व्हाट अप्रोच इज विल बी यूज्ड। वन पॉइंट फाइव आ रहा है तन्मय का, तो तन्मय अप्रोच क्या यूज कर रहे हो बताओ। ओके, शुड आई हेल्प यू नाउ एवरीडे, अब मदद करूं या और ट्राई करना चाहेंगे। ठीक है रुकता हूं फिर। दो होगा एज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नहीं कथन एक्चुअली वो नहीं अप्रोच। चलो अब करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते इससे ज्यादा, सॉल्व करें एवरीबॉडी। अरे तुम लोगों ने ए बोल दिया बट ए भी नहीं है, तुम लोगों ने डी बोल दिया डी भी नहीं है, तुम लोगों ने बी भी बोला वो भी नहीं है, जो नहीं बोला किसी ने वो आंसर है। आंसर इज थ्री, आंसर इज सी, नोबडी सेड सी, बैड लक। ओके आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। देखो यहां अप्रोच तुम्हें क्या लगाना है, अप्रोच तुम्हें लगाना है कि जब तुम एक सोल्यूशन को उठा करके दूसरे के साथ मिला रहे हो और तीसरा डाल रहे हो और तुम्हें बोला है L by A सेम रखना है, तो तुम यहां यूज करोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स का मतलब है कि यदि चार्ज कैरियर्स टोटल सी वन प्लस सी टू मानते हैं तो सी फाइनल के बराबर होंगे, राइट। जितने चार्ज कैरियर्स पहले सोल्यूशन से आ रहे हैं प्लस जो सेकेंड सॉल्यूशन से आ रहे हैं, दे विल बी इक्वल टू सी फाइनल। इज दैट क्लियर। चार्ज कैरियर्स कमिंग फ्रॉम वन, चार्ज कैरियर्स कमिंग फ्रॉम टू इज इक्वल टू चार्ज कैरियर्स टोटल, इज दैट क्लियर और नॉट। अब देखो हमने कंडक्टिविटी क्या बोला है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पे, राइट। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। जैसे मैंने समझाया था तुम्हें कि एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे और ये ए सी माइनस प्लस एच प्लस बनाएगा। हाँ उमंग यही सही है तुम्हारा आंसर। तो यहां पर तुम क्या करोगे, यहां पे करोगे के वन वी वन प्लस के टू वी टू इज इक्वल टू के फाइनल वी वन प्लस वी टू। यू विल यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी के फाइनल क्या आएगा, सिग्मा के आई वी आई अपॉन सिग्मा वी आई। ये देखो एक मिक्सिंग फॉर्मूला है जो कि मैं चाहता हूं तुम लोग डिराइव करो कि जैसे तुमने दो तीन सोल्यूशन को मिक्स किया तो फाइनल कंडक्टिविटी सोल्यूशन का क्या आएगा, इट विल बी समेशन के आई वी आई अपॉन समेशन वी आई। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा,
तो ये इस तरह से तुम फाइनल निकाल सकते हो। अब देखो क्या होता है, अब इसमें अब सॉल्व कर लोगे या अभी आगे बताऊं? अब आ जाएगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, सो 1/r इज 1/ρ a/l, a/l सेम रखने के लिए बोला है, तो 1/r इज इक्वल टू के एल बाई ए, सॉरी a/l। तो के क्या आ रहा है, के आ रहा है 1 l/a इंटू, तो k1 की जगह पे लिख सकता हूं l/a, सब केस में सेम है। कंडक्टिविटी सी बाई वी कैसे, एवरीबडी हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे डिफाइन किया है बताओ? व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने लिखा है डेफिनेशन नहीं एवरीबडी, ये डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए गिवन वॉल्यूम। ये लिखा है नहीं लिखा है? यही तो डेफिनेशन सीखा था ना हमने। तो अब देखो क्या है, 1/r1 l/a प्लस 1/, और यहां लगा सकते हैं v1, प्लस 1/r2 l/a इंटू v2 इज इक्वल टू 1/r final l/a इंटू वी फाइनल, दैट इज v1 प्लस v2। नहीं, प्रोपोर्शनल बोला था एवरीबडी, ये लिखवाया है बाकी सब लोगों ने तो लिखा है, शायद तुमने नहीं लिखा होगा सर्वेज एवरीबडी। ये हमने नहीं सीखा था क्या कि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पे? यही था, तुम चेक करो नोट्स। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पे कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फाइन, राइट इट डाउन, मतलब इसको सॉल्व करो। अब रिलेशन तो, अरे देखो मैं जो पिछले क्लास का नोट्स देख रहा हूँ ना वेदांत, इसमें लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो हुआ ही है, इज दैट क्लियर? चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो लिखा है ना, ये तो डेफिनेशन ही है, आई कैन चेक द नोट्स, इट इज क्लियरली रिटन। तो आप सॉल्व करो v1, अब तो बताओ कितना आया, v1/50, v2/100, v1 प्लस v2 अपॉन 80। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना एवरीबॉडी, अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, यदि तुम्हें ध्यान में नहीं था तो भी याद रखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और मैंने ये भी बताया था कि चार्ज कैरियर्स डिसोसिएटेड वाले हैं, जैसे कि एसीटेट आयन और एच प्लस होता है चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें सॉल्व कर सकते हो आप लोग, आई होप। आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी, एवरीबॉडी आगे बढ़ जाए। ओके, तो अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी
एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन. अच्छा, डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? पानी डालोगे, जैसे तुम्हारे पास NaCl है, वो Kf का फॉर्मूला याद रखना है आदित्य, दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड. मैंने लिखवाया था, देख लो तुम एक बार. सीधा सा कंसेप्ट है, कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई ज्यादा कंडक्टिविटी है? 1 लीटर दोनों ले लिया तो 1 लीटर सोल्यूशन में जिसमें ज्यादा चार्ज कैरियर्स है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा है, ऐसे करके भी बताया था. फिर ये बताया था, इसको देखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसका ज्यादा है, लिखवाया भी है. तो ये तो ऑब्वियसली तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पानी में आयंस कंडक्ट करते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में यदि आयंस ज्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा है, यही समझाया था. तो ये याद रखो तुम, बेसिक अप्रोच यही है कि एक गिवन यूनिट वॉल्यूम में यदि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा है, ऑब्वियसली कंडक्ट तो आयंस ही करते हैं. Is that clear or not everybody? कैसे कंपेयर करोगे किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? 1 लीटर में मान लो 5000 आयंस है एक सोल्यूशन में और दूसरे में 10000 आयंस है, तो 10000 वाले ज्यादा बेहतर कंडक्ट करेंगे, राइट? आगे बढ़ सकते हैं. तो अब मान लो, हाँ, मोलर कंडक्टेंस नहीं करेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस करेगा. ओके, ठीक है. एक बात बताओ, जैसे हम बात करते हैं इसकी, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक गिवन लीटर है, वी वन लीटर, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा. अब तुम इसमें पानी डालोगे, क्या होता है बताओ एवरीबॉडी? तुम इसमें पानी डाल के इसको वी टू कर दोगे, एवरीबॉडी, तुम इसको पानी डाल के वॉल्यूम फाइनली वी टू कर दोगे, तो तुम्हें नहीं लगता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो तो डिक्रीज हो जाएगा? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. ये समझ में आ रहा है? Everybody, is that clear? Everybody, is that clear or not? The specific conductance or conductivity पानी डालने से कम हो जाता है. I hope it is clear. क्योंकि उस यूनिट वॉल्यूम में अब चार्ज कैरियर्स तो कम हो जाएंगे ना, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैरियर्स कितने उस पर डिपेंड करता है. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. Everybody, is that clear? Everybody please respond in the chat box. Okay. Now tell us about molar conductivity. देखो lambda m किसके ऊपर डिपेंड करता है? Molar conductivity किसके ऊपर डिपेंड करता है? Molar conductivity के charge carriers पर डिपेंड करता है. हाँ, अद्वैता, your answer is correct. ज्यादातर लोगों ने unchanged बोला है, but actually it increases. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. ये क्या होता है? इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. एक बात बताओ, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? जैसे तुमने एसिटिक एसिड पानी में डाला, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या इन आयंस की वजह से डिपेंड करता है? मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर. ये समझ में आ रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालने के बाद जो कंडक्टिविटी होता है ना, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? तो मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मैंने डेफिनेशन जब तुम्हें बताया था तो उस वक्त ये बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करते हैं, ना कि चार्ज कैरियर के लिए. जैसे एसिटिक एसिड को पानी में डाल रहे हैं ना, तो एसिटिक एसिड के लिए डिफाइन कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? और कंडक्टिविटी चार्ज कैरियर के लिए डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं. ये अंतर मैंने बताया था तुम्हें. तो इट इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल बोल सकते हो या फिर गिवन मोल बोल सकते हो. 1 मोल या फिर गिवन मोल. तो हम मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड के लिए डिफाइन करते हैं. जैसे
ठीक है, तो जब हम एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो बताओ क्या होगा, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, जैसे देखो इसका Ka क्या है, Ka is C alpha square upon 1 minus alpha, you can take 1 minus alpha is 1, so Ka is C alpha square. तो अब डाइल्यूशन से क्या होता है, सी कम होता है, अल्फा बढ़ते जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पानी डालने से तो बढ़ता है ना. एवरीबडी इज दैट क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पानी डालने से तो बढ़ेगा, दैट क्लियर? वही गिवन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करेगा पानी डालने से, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है. ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके रिपीट. देखो सुजल एक बार ध्यान से समझना कि मैं बोल क्या रहा हूं. मोलर कंडक्टिविटी हमने सीखा था कि मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है? ये बात ध्यान से सुनो, मोलर कंडक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि एक गिवन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कितना कंडक्टेंस आएगा. और मैंने ये भी समझाया था तुम्हें कि मोलर कंडक्टिविटी अलग चीज है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है चार्ज कैरियर से, मतलब वो उस चीज पे डिपेंड करता है जो डिसोसिएट होके आयंस बनते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, बट मोलर कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करते हैं. ये गिवन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पानी में कितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो पानी डालोगे तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस जो होंगे वो तो बढ़ते जाएंगे ना. एवरीबडी इज दैट क्लियर? डिसोसिएशन बढ़ रहा है सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा ना, सो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. ये बात समझ में आ रही होगी कि कितने आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो तो बढ़ जाएगा. तो अब देखो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेमडा एम इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. नहीं, सौरभ वेलकम टू योर पॉइंट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी तो जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम मानते हैं थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम बताते हैं लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है सौरभ? वो एक अजम्पशन होता है ना जो कि अप्रोक्सीमेटली वैलिड है. इज दैट क्लियर? और जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं ना तो उनके डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही वो पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं. एवरीबॉडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं क्या? एवरीबॉडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं हमेशा? नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर 100% डिसोसिएटेड इन देयर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. तुम एक किलो नमक ले लो, उसमें एक बूंद पानी डाल दो, सारे क्या डिसोसिएट हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस. वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं, तो ये तो तुम्हें पता ही है. तो हम डाइल्यूट करेंगे तो हर किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, वो अलग बात है. एक कंसेप्ट होता है लेवलिंग इफेक्ट का, आयनिक में पढ़ते हैं उसको कि सबको पूरी तरह से डिसोसिएट कर दो, बट डाइल्यूशन से चेंजेस रिलेटिवली कम होंगे स्ट्रॉन्ग में, बट होंगे तो जरूर ना, तो लेमडा एम तो हर बार बढ़ेगा. तुम ऐसा भी खुद सोचो, सी लेमडा एम क्या होता है, के वी अपॉन एन, राइट? के वी अपॉन एन, तो अब देखो के क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो रहा है, तुम सोचोगे वाई द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इंक्रीजेस डाइल्यूशन. सूजल का सवाल है कि नंबर ऑफ आयन्स पानी डालने से ज्यादा क्यों टूटता है. अरे तुम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पे चले गए हो सूजल. सुजल यू आर मूविंग टू केमिकल बॉन्डिंग. अच्छा पानी डालने से डिसोसिएशन बढ़ता क्यों है एवरीबॉडी? पानी डालने से डिसोसिएशन क्यों बढ़ता है एवरीबॉडी? पानी डालने से डिसोसिएशन क्यों बढ़ता है? अरे पानी तोड़ता है मॉलिक्यूल को, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डिसोसिएशन टूटेगा ना,
NaCl पानी में जाता है तो Na प्लस के आसपास काउंटर आयंस आते हैं, तो काउंटर आयंस यदि बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो सबको तोड़ देंगे, नंबर ऑफ फ्री आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, ऐसा सोच सकते हो, काउंटर आयंस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे रीजंस तुम बता सकते हो, पानी ही तोड़ता है NaCl को। फाइन, नाउ कमिंग टू मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे असर पड़ता है, वीक के लिए ज्यादा असर पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए कम असर पड़ेगा, बट डाइल्यूशन सबके इंक्रीज होता है, डाइल्यूशन होने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम इंक्रीज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, अच्छा अरे स्पेसिफिक कंडक्टेंस में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है एवरीबॉडी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा क्या? सी आई विल टेल यू, वेट, देखो ये क्या होता है, के नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम अपॉन एन, तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट मोल। ये समझ में आ रहा है एवरीबडी? इज दैट क्लियर और नॉट? कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपॉन एन। तो अब जरा देखो मोलर कंडक्टिविटी तो डिपेंड करता है कि नंबर, तो मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि यदि तुमने एन कॉन्स्टेंट रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्स्टेंट रख दिए, तो लेमडा एम तो डायरेक्टली चार्ज कैरियर के प्रोपोर्शनल है। ये समझ में आया एवरीबडी? इज दैट क्लियर और नॉट? लेमडा एम तो डायरेक्टली चार्ज कैरियर के प्रोपोर्शनल है, एक मोल के लिए या फिर दो मोल के लिए या फिर दस मोल के लिए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यदि तुम्हारा n कांस्टेंट है तो लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरियर्स, इज दैट क्लियर? और k किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब एक बात बताओ, वॉल्यूम यहां पर तुम देख रहे हो कि के ए हमने लिखा है एन सी अल्फा स्क्वायर, तो ये एन बाई वी स्क्वायर है, तो तुम यहां कांस्टेंट देखोगे तो क्या हो रहा है, अल्फा स्क्वायर बाय वी इज कांस्टेंट। अब आदित्य इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि यहां पे अल्फा स्क्वायर बाय वी कांस्टेंट है, यानी ज्यादा चेंज अल्फा में हो रहा है या ज्यादा चेंज वी में हो रहा है, ये बताओ। आदित्य, वॉल्यूम में ज्यादा चेंज होने से वी में ज्यादा चेंज हो रहा है और ऑब्वियसली अल्फा में चेंज कम हो रहा है, तो C by V जो है ना, that will decrease upon dilution. C by V will decrease upon dilution. जैसे acetic acid का dissociation 0.09 है at one molar, तो यदि तुमने इसका volume infinite भी कर दिया तो इसका alpha 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये infinite बढ़ गया और ये सिर्फ 1 ही बढ़ा, तो volume में बहुत ज्यादा change है और C में charge carriers के number में कोई खास change नहीं हो रहा, तो ये जो है वो डिक्रीज करेगा डाइल्यूशन पे और ये इंक्रीज करेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी नाउ और नॉट? अरे अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी किसी को डाउट है? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर और नॉट? फाइन, तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी यदि n कांस्टेंट रखो तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड करता है, और कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। पानी डालोगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगेंगे, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में कम पड़ेगा और वीक में ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा बिकॉज वॉल्यूम में ज्यादा चेंज हो रहा है, अल्फा में कोई खास चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर नॉट? अरे अभी इसमें किसी को डाउट है? इज इट क्लियर और नॉट? मैं फिर से समझा देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी यदि तुमने n कांस्टेंट रखा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड करता है, c यहां पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। फाइन, तो देखो आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे, आई होप यहाँ तक किस समझ में आया होगा सबको। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है? आज तो हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, हमने मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ही पढ़ा है अभी तक। तो बेसिक फिर से समझा दे रहा हूँ, यदि तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है
तो मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, राइट? और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फाइन, किसी को डाउट है और कुछ? फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन। गुड बाय।